सोशल मीडिया पर हथियार लहराना युवक को भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को कंबाइंड बिल्डिंग स्थित संयुक्त प्रमंडलीय भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर नगर डीएसपी 2 राकेश कुमार ने गिरफ्तारी की जानकारी दी। डीएसपी ने नाथनगर थाना एवं मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के दो मामले का प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि हथियार के साथ दो युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो का सत्यापन कर नाथनगर पुलिस ने युवक की पहचान की। इसके बाद छापेमारी करते हुए एक देसी कट्टा के साथ चंदन नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। वहीं चंदन की निशानदेही पर वीडियो में शामिल आरोपी सन्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गोलहू इलाके में बासा पर देसी कट्टा के साथ एक युवक के होने की जानकारी मिली, जिसके बाद मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक देसी कट्टा एवं एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भवेश यादव के रूप में की गई है, जबकि नाथनगर इलाके से गिरफ्तार हुए आरोपी राधेहरी के पुत्र सन्नी कुमार एवं मनोज लाल के पुत्र चंदन कुमार के रूप में की गई है। नगर डीएसपी 2 राकेश कुमार ने आगे बताया कि तीनों के पास से दो देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस एवं दो खोखा बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला ये है कि कल नाथनगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक लड़का हाथ कट्टा पिस्तौल लहरा रहा था। इसके सूचना जब थाना क्षेत्र में मदद मिला, उनके द्वारा यह सत्यापन किया गया। सत्यापन करने के बाद उस लड़का के पहचान चंदन कुमार पुष्ट हुआ, जो कि वहाँ सराटा के रहने वाले हैं। जिसको पहचान जब उन्हें पकड़ा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि ये कट्टा या के सन्नी कुमार के पास रखा हुआ है। तो उसके कहने के अनुसार थाना अध्यक्ष महोदय ने उनका छापेमारी किया गया, उसके घर से एक कट्टा बरामद किया गया है। कुछ हिस्ट्री भी है उसका अपराधी, इसके आपराधिक इतिहास पता की जा रही है। भारत में कुल 100 स्मार्ट सिटी है। बिहार में अभी तक 5 स्मार्ट सिटी है, जिसमें भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और गया की शहरी आबादी शामिल है। बात अगर 2024 की लोकसभा चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सेल, बुलेट कैमरा, 360 डिग्री रोटेट एंगल कैमरा के साथ साथ पैन टिल्ट और जूम कैमरे यानी PTZ कैमरा के इस्तेमाल की बात करे तो फ्री और फेयर चुनाव सम्पन्न कराने में बहुत हद तक मदद करेगी। स्मार्ट सिटी भागलपुर में कुल 1844 कैमरे लगे हैं। उनमें 256 कैमरे वैसे हैं जो आपके पीछे दूर तक पीछा कर सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान या वोटिंग के दिन अफवाहों पर विराम लगाने में उक्त कैमरा सक्षम है। कई वैसे बातें भी हैं जो साइबर सेल, सर्विलांस टीम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग कर रही है। जो इलेक्शन है, आप जान रहे होंगे कि इसमें हमारे काफी संख्या में, हजारों की संख्या में मतदाता बाहर निकलते हैं और हमारे एरिया में कभी कभी कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं उत्पात मचाने का, विध्वंस मचाने का प्रयास करते हैं, किसी प्रकार का र्यूमर स्प्रेड करने का प्रयास करते हैं। हमारे स्मार्ट सिटी में 360 डिग्री जो कैमरा है, बुलेट कैमरा है और उनका रोटेशन एवं उनका फोकस काफ़ी बेहतरीन है। उससे हम चप्पे चप्पे पे नज़र रखेंगे और हमारी पूरी टीम जो कैमरा को एनालाइज करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको एनालाइज करेगी और हम लोगों के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से लोगों की काफ़ी सहायता करेंगे। मैं पुनः आग्रह करूँगा आम लोगों से कि बिल्कुल निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के मतदान करें और कहीं भी किसी प्रकार की अफवाह है, किसी प्रकार की कोई बात है तो सीधा वो प्रशासन को इंटीमेट करें, ताकि हम कैमरों की मदद से और हमारे चप्पे चप्पे पे पुलिस बल होंगे, पदाधिकारी होंगे, उनकी मदद से उन्हें हम सहयोग, उचित सहयोग कर सकें और अपने मतदान को सफल एवं स्वस्थ तरीके से कराने में सफल हो सकें। काफ़ी संख्या में हमारे सिविल ड्रेस में भी लोग रहेंगे और कई चीज़ों पर हम नज़र रख रहे हैं, कई लोगों पर भी नज़र रख रहे हैं जिनका कि इतिहास, आपराधिक इतिहास रहा है। उस जैसे उसमें हम लोग CCA की कार्रवाई है, 107 की कार्रवाई है। इसके अतिरिक्त हम आम आसूचना संकलन कर रहे हैं और आम लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो बिल्कुल निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के मतदान करें। देखिए, हमारे स्मार्ट सिटी में लगभग 1800 कैमरे लगाए गए हैं और उसमें प्रत्येक चौक चौराहे पर नंबर प्लेट रीडिंग NTR कैमरे भी लगाए गए और इसके मॉनिटरिंग के लिए 6-6 पुलिस कर्मियों को 3 शिफ्टों में लगाया जा रहा है। तो शहर में जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं और जो भी गतिविधि चल रही है, सारी उसके CCTV कैमरा में कैप्चर हो रही है, उसका बैकअप भी है। तो उससे मतदान की तैयारी में और मतदान का जो प्रचार कर रहे हैं
ठीक है, उसमें भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई अगर वायलेशन भी कर रहा है तो वो भी उस कैमरे के द्वारा कैप्चर कर लिया जा रहा है, और अगर कोई शिकायत इस तरह की आती है तो उसको वेरीफाई करके उसमें अगर तक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ मतदान के दिन और मतदान के पूर्व भी वहाँ पर टीम तैनात रहेगी और पूरे शहर की गतिविधियों को लगातार देखती रहेगी, जिससे कि हम लोग मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सफल होंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक तानाबाना भी कई तरह से बुने जाने लगे हैं। भागलपुर लोकसभा के लिए निर्दलीय प्रत्याशी रमेश टोडू ने कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा को आज अपना समर्थन दे दिया। इसको लेकर आज निर्दलीय प्रत्याशी रमेश टोडू ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में रमेश टोडू ने बताया किसी भी हालत में भागलपुर संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन की जीत सुनिश्चित होगी, इसके लिए मैं आज कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा को समर्थन करता हूं और उनके लिए प्रचार प्रसार करूंगा ताकि जातीय उन्माद और जातीय समीकरण की लड़ाई भाजपा ना करे। हम लोग जमीनी स्तर से लोगों को विकसित और विकासशील बनकर दिखाएंगे, जिससे राज्य तरक्की करेगा, उसके बाद देश तरक्की करेगा। उन्होंने साफ तौर पर महागठबंधन का दामन थाम लिया है और खुलकर अजीत शर्मा के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। आज का जो ये विषय है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हमारे रमेश कुमार टुडू जी जो आदिवासी समुदाय से आते हैं और मैं राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, और ये हम लोग का इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है उससे प्रभावित होके, और भागलपुर के जो स्थानीय हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके विचारों से प्रभावित होकर, और ये अपना समर्थन जो है माननीय अजीत शर्मा जी को समर्थन किए हैं, और इनका हम लोग जो है इंडिया गठबंधन परिवार में स्वागत करते हैं और इनका धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। और हमें अब पूरा उम्मीद है कि भागलपुर ही नहीं, आपका पूर्णिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, जहां भी आदिवासी समुदाय के लोग हों, लोग निवास करते हैं, वो सभी लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। श्रद्धालुओं ने चैती छठ पर्व के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया। आज व्रत करने वाले सभी व्रती एवं श्रद्धालु सूर्य ढलने के पहले गंगा घाट पर पहुंचकर भगवान सूर्य की आराधना की और उन्हें अर्घ दिया। कुछ लोगों ने अपने घरों पर ही छठ पर्व मनाया, वहीं कुछ लोगों ने तालाब में जाकर भी इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक मनाया। कल उगते सूर्य को अर्घ देकर इस चैती छठ महापर्व का समापन होगा। छठ व्रती महिलाएं कल अपना पारण कर इस पर्व को समाप्त करेंगी।
रामनवमी के अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी शहर में श्री राम की शोभा यात्रा 17 अप्रैल को निकाली जाएगी, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हिंदुत्व सेवा संघ के द्वारा बूढ़ानाथ चौक पर महाआरती का आयोजन और संध्या में राम कालेश्वर धाम में महाभंडारा का आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि भव्य श्री राम शोभा यात्रा मायागंज अस्पताल चौक से बड़ी खंजरपुर महिला कॉलेज चौक रानी लक्ष्मीबाई चौक होते हुए कोतवाली गोशाला तिलका मांझी डीएम आवास होते हुए राम कालेश्वर धाम मंदिर में संपन्न होगी। वहीं शहरवासियों से ज्यादा संख्या में इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए संस्थान के लोगों ने अपील की। प्रेस वार्ता के दौरान संस्थान के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहले सारे देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की भांति इस साल भी हिंदू सेवा संघ भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम करने के लिए जा रही है, जिसमें सभी भागलपुर वासियों से निवेदन है कि भारी संख्या में आए और शोभा यात्रा को भव्य बनाए। आप सबके सहयोग से पिछली बार भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ से शोभा यात्रा निकाली गई थी, इस साल भी आप सब यहाँ आकर अपना योगदान दें और प्रभु राम जी की शोभा यात्रा में शामिल होकर उसकी भव्यता को बढ़ाएं। शोभा यात्रा की भव्यता को बढ़ाने के लिए इस बार कुछ झांकियों का भी बंदोबस्त किया गया है, जो यूपी से आ रहे हैं, बनारस से पंडित जी आते हैं महाआरती के लिए, जो बूढ़ानाथ मंदिर में के पास आरती करते हैं, इस साल भी वो आ रहे हैं। प्लस में जमुई से जो पंडित जी आ रहे हैं उनकी पूरी टीम आ रही है, जो कि पूरे शहर में भ्रमण करते हुए रामचरितमानस गान का पाठ करेगी और पूरे शहर का शुद्धिकरण करेगी अपने मंत्रों से, ताकि हमारे बीच में आपस हिंदू भाइयों में एक भाईचारा हमेशा बना हुआ रहे और इसी तरह राम जी का शोभा यात्रा हर साल निकलते रहे और एकजुट सब रहे प्रभु राम की कृपा से। शोभा यात्रा का रूट चार्ट जो है, यहाँ से श्री राम कलेश्वर धाम बड़ी खंजरपुर से 1 बजे के आसपास यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी पूजा होने के बाद, जो कि यहाँ से भारत माता चौक जाएगी, भारत माता चौक से मनाली चौक, लक्ष्मीबाई चौक रानी लक्ष्मीबाई चौक, वहाँ से फिर कचहरी चौक, फिर महात्मा गांधी रोड होते हुए घंटाघर चौक, वहाँ से स्टेशन चौक, फिर वहाँ से अग्रसेन चौक आएगी, अग्रसेन चौक से फिर भामाशाह चौक आएगी, वहाँ से कोतवाली चौक, वहाँ से फिर गौशाला रोड होते हुए बाबा बूढ़ानाथ मंदिर चौक पे आएगी, जहाँ पे महाआरती का आयोजन किया गया है, वहाँ से फिर वापस लक्ष्मीबाई चौक आएगी और तिलका मांझी चौक होते हुए डीएम आवास होते हुए श्री राम कालेश्वर धाम में भंडारे के बाद शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा। देखिए, ये श्रद्धालु की संख्या तो श्रद्धालु पे डिपेंड करती है, ये आस्था की चीज़ है और आस्था में जो भी लोग आएंगे वो अपनी आस्था से जुड़ेंगे, तो ये तो हम नहीं बता पाएंगे, ये प्रभु की माया है, वो ही बता सकते हैं। अपील ये करना चाहते हैं कि इस बार चुनाव का माहौल है और चुनावी माहौल में जो भी भक्त आए श्री राम का नारा लगाए शांतिपूर्ण से और एक लाइन में सब चले और आरती का और शोभा यात्रा का आनंद ले। और सभी भक्त से अनुरोध ये भी करेंगे कि हाँ, यहाँ पे गाड़ी लेकर ना आए, हो सके तो पैदल श्री राम जी के साथ में चले। रामलला, इस बार रामलला की मूर्ति बनाई गई है और रामलला के साथ इस बार चले। मूर्ति हमारी 12 फीट की रहेगी, पर सजावट होने के बाद वो 14 फीट की होगी मूर्ति। भागलपुर के कजरैली के ननकीर में इन दिनों कचरे की दुर्गंध से आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं। यही नहीं, कचरे में आग लगना भी आम बात हो गई है। वहीं कचरे के इस आग से आम जनमानस का जीना तो दुर्लभ हो ही गया है, लेकिन इसके प्रकोप से पशु पक्षी भी नहीं बच पा रहे। किसान भी बर्बाद होती अपनी फसल को बेचैनी भरी निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन हर कोई जिम्मेवारों की इस कारनामों के आगे बेबस है, लाचार है। एक किसान ने बताया कि बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर फसल लगाया था, लेकिन वो भी अब कचरे की आग कारण नष्ट हो गया है। लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन इस समस्या के निराकरण के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं करता तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यही है कि यहाँ जितना भी जानवर है, गीदर है, कुत्ता है, फलना ढकान, ये सबसे बड़ी यहाँ का जनता परेशान रहती है। फसल पे क्या असर पड़ता है? फसल पे यही है कि उसका प्रदूषण बहुत गहरा पड़ रहा है, जो होना चाहिए। क्या कुछ नुकसान भी हुआ है फसल में? हो रहा है। क्या नुकसान हुआ है, बता सकते हैं? नुकसान जितना पैदावार होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, यही कि उसमें मच्छर या मक्खी सब का बहुत व्यवधान हो रहा है। फल फूल से सब जलीर लो जे, गाछ वृक्ष मरीर लो जे, फल नहीं धरे जे। ये कब से परेशानी हो रही है अपने साथ? जब सब पूरा डले लो जे, पूरा फैल लो तब है से। वहाँ पे पूरा महक हो रहा है और पूरा मक्खी और मच्छर पूरा हो रहा है। अच्छा,
और खेत पथार में भी कोई परेशानी हो रही है? हाँ, खेत पथार में भी उपजा कम हो रहा है। उपजा कम हो रहा है, कितना दिन से ये डंपिंग हो रहा है? लगभग क्या सालों से जी? अब पाँच साल से। कजरेली थाना पड़ता है। कजरेली थाना पड़ता है। क्या परेशानी हो रही है? पूरा परेशानी है, दम घुट रहा है यहाँ रहने में। कब तक गाछ मर गया, पूरा मक्खी लगता है, महकता है। लगभग कितना गाछ वाला बहुत जबरदस्ती गिरा देता है। लगभग कितना गाछ मरा है अभी तक? गाछ 100 मर गया। जब तक देख लेना प्लाट सब में गाछ है तब सब मर गया। बढ़िया बढ़िया गाछ दाम आता था। आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ? अब क्या बताएंगे कैसे रहते हैं, वो तो हम लोग जानते हैं कैसे रहते हैं। क्या करें, मार करने में होता है। अभी चलिए दिखाते हैं मक्की कितना होगा। शहर का खुला तो नहीं जगह मिला है। बहुत गलत कमाई सब। कौन एरिया है ये? है कनकैती कजरेली का। थाना कौन सा पड़ता है? कजरेली। प्रखंड कौन सा है? नाथनगर, जिला भागलपुर।